हेलो एवरीवन एक बार सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाइए और एक बार बता दीजिए भाई ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर है क्या हेलो एवरीवन जल्दी से एक बार सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए फिर हम अपने सेशन को दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाइए गुड इवनिंग एवरी गुड इवनिंग एवरी एक बार सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए और बता दीजिए भाई ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर है क्या फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर टू जीओसी की जब हम बात कर रहे थे तो एक बार जल्दी सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए चलिए तो एक बार जल्दी सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए गुड इवनिंग एवरी वन देखिए जीओसी लेक्चर नंबर टू की हम बातें कर रहे थे पिछली क्लास में जीओसी लेक्चर नंबर टू फर्स्ट हो चुका है तो जो भी बच्चे ने अभी तक नहीं देखा है वो लेक्चर आप एक बार जाकर के क्वांटा केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसी पर जाकर के आपको देख लीजिए उसको ठीक है तो एक बार जल्दी सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए गुड इवनिंग एवरी जल्दी से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए फिर हम अपने सेशन को दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है पिछली क्लास में हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की ठीक है तो इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट में हमने कहा था कि कहीं पर भी अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे तो उससे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा मोडिफाइड तो उस मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमने देखा था कि नॉर्मली इनऑर्गेनिक की जो मेरे पास एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी और हम जब मोलिक्यूल में अप्लाई करते हैं तो वो, वो सेम नहीं रहते उसमें चेंज हो जाता है और वो चेंज किन किन वजह से होता है तो हमने देखा था हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ऐसा होता है दूसरा बॉन्ड एंगल की वजह से ऐसा होता है एंगल के चेंज होने की वजह से भी उनमें इलेक्ट्रॉन एक्सुटी में चेंज आता है और रिंग की साइज भी चेंज होने से ऐसा हो जाता है और तीसरा हमने यहाँ पे देखा था कौन सा यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव की वजह से भी इलेक्ट्रॉन एक्टी में चेंजिंग आते हैं तो ये तीन फैक्टर थे हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल और आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इन तीनों की वजह से ही इलेक्ट्रॉन एक्टिटिव में क्या पड़ रहा था अफेक्ट पड़ता था अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की आज हम ए, क्योंकि मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मैंने आपको एक दो सवाल दिए थे होमवर्क के लिए आई होप आप सभी बच्चों ने वो सॉल्व कर लिए थे ठीक है जिन बच्चों ने सॉल्व नहीं किए हैं तो वो आप यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे मैंने पिछली क्लास में आपको होमवर्क दिया था मैंने कहा था कि यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे ये फोर मेंबर रिंग है यहाँ पे फोर मेंबर रिंग है यहाँ पे फाइव मेंबर रिंग है और यहाँ पे सिक्स मेंबर रिंग है इसमें आपको बताना था नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी यहां पे मैंने आपसे सवाल किया था स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ये हमने सवाल यहां पर किया था स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज की हमने बात की थी तो मैंने कहा था कि बॉन्ड एंगल की हम लास्ट में चर्चा कर रहे थे बॉन्ड एंगल के बेसिस पे उसी के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पर भी मुझे बोन्ड एंगल चेक करना है तो हमने देखा था कि यहाँ पे ये जो थ्री मेंबर की रिंग है तो इसमें बोन्ड एंगल कितना होगा सिक्सटी डिग्री यहां पे कितना होगा नाइन्टी डिग्री राइट यहाँ पे कितना होगा वन जीरो एट और यहाँ पे कितना होगा वन ट्वेंटी डिग्री तो अगर मेरे पास यहाँ सिक्सटी डिग्री एंगल है तो देखिए ओवरऑल एंगल तो मैंने बताया था इक्वली होगा 360 होगा ओवरऑल एंगल तो अगर मेरे पास रिंग के अंदर की तरफ अगर बॉन्ड एंगल कम होगा तो बाहर की तरफ एंगल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा अगर रिंग के अंदर की तरफ एंगल कम होगा तो बाहर की तरफ क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा एंगल तो यहां पे हम क्या कहेंगे बाहर की तरफ हमारा एंगल क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा तो यहां अगर बाहर की तरफ एंगल बढ़ेगा तो हम क्या कहेंगे बोर्ड एंगल अगर मेरे पास बाहर की तरफ बढ़ेगा तो हम क्या कहेंगे परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा यहाँ परसेंटेज जो एस करेक्टर होंगे वो इंक्रीज होंगे और परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिकी भी क्या होगी इंक्रीज होगी यहाँ पे बोर्ड एंगल की बढ़ने से परसेंटेज एस्केक्टर बढ़ेगा परसेंटेज एक्स्टर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्सिटी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्सिटी अगर बढ़ेगी तो हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर रहना पसंद करता है तो बोर्ड एंगल के बढ़ने से परसेंटेज स्क्रेक्टर बढ़ेगा परसेंटेज एक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्सिटी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनसिटी के बढ़ने से नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी क्या होती है हम क्या कहेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर रहना पसंद करता है तो यहाँ पे आपका रिंग की साइज चेंज होने से मतलब अंदर की तरफ अगर बोर्ड एंगल कम तो बाहर की तरफ एंगल बढ़ेगा तो क्योंकि नेगेटिव चार्ज बाहर की तरफ है तो हम बाहर का एंगल ही क्या करेंगे ऑब्जर्व करेंगे यहां पे अंदर की तरफ अगर बॉन्ड एंगल कम है तो इन बॉन्ड्स के अंदर तो परसेंटेज कम होगा और नेगेटिव चार्ज में परसेंटेज परसेंटेजर ज्यादा होगा क्लियर है तो यहां पे जैसे जैसे बाहर का एंगल देखिए 60 से 90 हुआ तो बाहर का एंगल क्या हुआ कम हुआ तो यहां पे स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो यहां पे हम कह सकते हैं थ्री मेंबर अगर मैं इसको फर्स्ट कह देता हूं ये मैं सेकंड मान लेता हूं ये थर्ड मान लेता हूं और ये मैं फोर्थ मान लेता हूं तो मैं क्या कहूंगा यहां पे हम कहेंगे फर्स्ट जो होगा वो मोर स्टेबल होगा फिर सेकेंड होगा फिर थर्ड होगा और सबसे लीस्ट जो स्टेबल होगा वो फोर्थ हो जाएगा ये मेरे पास स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज आपका आ जाएगा यहां से स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज यहां से आपका देखने को मिलेगा स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज यहां से आपके सामने आ जाएगा अब अगर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज की जगह मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो भी क्या परसेंटेज को वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा या कुछ और लगेगा जैसे मान लीजिए यही मेरे पास रिंग है यहां से ये मान लीजिए मेरे पास थ्री मेंबर की रिंग है यहां नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ गया राइट यहां पे पॉजिटिव आ गया यहां पे मेरे पास पॉजिटिव आ गया और यहां पे मेरे पास क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया अगर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो क्या यहां पे अब कैसा कॉन्सेप्ट लगाएगा देखिए यहां पे हमें ये अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताइए यहां से इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका एसपी टू और sp2 अगर मेरे पास कोई भी कार्बेटाइन अगर sp2 होता है तो उसको 120 डिग्री एंगल चाहिए रिक्वायर्ड कितना एंगल होता है 120 डिग्री अगर इसको 120 डिग्री की जरूरत है sp2 को हाइब्रिडाइज को और यहां पे मिल कितना रहा है 60 डिग्री अगर 60 डिग्री मिल रहा है तो इसके अंदर रिंग के अंदर क्या होगा बहुत ज्यादा हाईली एंगल स्ट्रेन होगा और इस एंगल स्ट्रेन की वजह से ये जो कार्बेटाइन है ये क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा तो जैसे जैसे एंगल स्ट्रेन रिलीज होगा वैसे वैसे हम क्या कहेंगे भाई स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो यहां पे रिंग की साइज

क्लियर हो गया है यहाँ पर रेगुलर सेशन चल रहे हैं आपका हेट्रोसाइक्लिक चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है काइनेटिक चल रहा है और जीओसी चल रहे हैं ये टॉपिक यूट्यूब पे चल रहे हैं तो जिन बच्चों ने भी अभी तक नहीं देखे हैं तो वो जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लें वहाँ पर अपने लेक्चर्स जो भी हैं वो उनको देख सकते हैं ठीक है तो ये यह कहानी यहाँ पर थी बेसिकली यहाँ पर तो ये मोडिफाइड इलेक्ट्रॉनिकी की कहानी थी अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंडक्टिव फैक्ट की नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट की यहां पे हम किसकी बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की यहां पे हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की देखिए इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा तो मैंने बताया था वहां पे सबसे पहले तो एक परमानेंट डाइपोल प्रेजेंट होना चाहिए इसके अंदर क्या होना चाहिए जब भी कहीं पर इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा तो उसके अंदर दोस्तों क्या होना चाहिए परमानेंट यहां पे परमानेंट डाइपोल क्रिएट होना चाहिए डाइपोल होना चाहिए यहां पे क्या होना चाहिए एक परमानेंट डाइपोल प्रेजेंट होना चाहिए और अगर यहां पे परमानेंट डाइपोल प्रेजेंट है यहां पे अगर परमानेंट डाइपोल प्रेजेंट है तो वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट हो सकता है कैसे आइए ध्यान समझते हैं उसको जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई कार्बन चेन है और इस कार्बन चेन पे यहां पे कोई एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ है ठीक है यहां पे कोई एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ है अब ये एक्स दो तरह का हो सकता है यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दो तरह से हो सकता है एक क्या हो सकता है कि भाई यहाँ पे इस केस में क्या हो सकता है कि यही कार्बन चेन है और यहाँ पे एक केस मान लेता हूँ कि ये क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू किसे कार्बन के कार्बन के कंपेरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा केस मैं मान लेता हूँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन एक्स जो ग्रुप है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रेटर देन है कार्बन ठीक है यहां पे एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कम है एज कंपेयर टू कार्बन ये बात मैं यहां पे मानते हुए चल रहा हूं अगर ये बात हम मानते हैं तो यहां पे होगा क्या यहां पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसके कंपैरिजन में कार्बन के कंपैरिजन में तो यहां पे आपके पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इधर क्या आएगा भाई क्रिएट क्या होगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज राइट इधर क्या क्रिएट होगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा यहां पर क्रिएट होगा पार्सली पॉजिटिव तो यहां पर क्या क्रिएट होगा पार्शली नेगेटिव चार्ज अब हमने पिछली क्लास में अगर आपको याद हो तो वहां पे हमने पढ़ा था जेड इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बेसिकली पढ़ा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कहता है कि अगर किसी एटम के ऊपर ये क्या था यहाँ पे एक परमानेंट डाइपोल था यहां पे क्या बन गया है एक परमानेंट डाइपोल क्रिएट हो गया है ठीक है एक परमानेंट डाइपोल क्रिएट हो गया है तो यहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कहता है कि अगर किसी एटम के ऊपर यहाँ पे पार्शली नेगेटिव चार्ज अगर आ गया तो उसकी इलेक्ट्रोनिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी जबकि इसके बगल वाला कैसा है न्यूट्रल है तो यहाँ पे इसके अगर न्यूट्रल है तो यहां नेगेटिव चार्ज वाले कंपेन मिस कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिव थोड़ी सी बढ़ जाएगी अगर बढ़ेगी तो इधर क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो यहां से ये देखिए क्रिएट इसकी वजह से हुआ है पर इनमें यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस था नहीं कार्बन कार्बन में पर इनके अंदर क्या हो गया इंड्यूस डाइपोल क्रिएट हो गया यहां पर जो इंड्यूस डाइपोल क्रिएट हुआ आप देखिए यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया ये न्यूट्रल है तो यहां पर इसकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी तो यहां पर फिर से पार्सल नेगेटिव यहां पर ये नेगेटिव आ गया तो ये मेरे पास हो जाएगा ऐसे यहां पर ये चलता रहेगा तो इसके यहां पे क्या था कार्बन कार्बन नेगेटिव कार्बन कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनिक डिफरेंस नहीं था पर फिर भी इस परमानेंट डाइपोल ने क्या कर दिया इस कार्बन चेन के अंदर इंड्यूस डाइपोल क्रिएट कर दिया यहां पर क्या क्रिएट कर दिया यहां पे इंड्यूस डाइपोल जो है वो बेसिकली क्रिएट कर दिया है और ये जो इंड्यूस डाइपोल कहला कहलाएगा तो यहां पे, क्या 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 तो पे जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन थे वो किसकी तरफ शिफ्ट हो गए कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गए तो यहां पर अगर डोनेट किया है तो ऐसा ग्रुप क्या कहलाएगा प्लस आई के नाम से जाना जाएगा इस तरह का जो ग्रुप होगा वो कैसा कहलाएगा भाई प्लस आई के नाम से यहां पे

क्या ये बात क्लियर हो गई है किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए भाई क्लियर है क्या ये बात समझ में आ गई है क्लियर हो गया है बोले सभी बच्चे क्या इतनी बातें क्लियर हो गई किसी भी बच्चे कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए भाई देखिए यहाँ पे इस चैनल पे आपको काइनेटिक्स के अभी चल रहे हैं और वो पूरे के पूरे चैप्टर होंगे ठीक है ऐसा नहीं कि दो तीन लेक्चर ही होंगे आपका पूरा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट लेक्चर आपको पढ़ाए जाएंगे पूरा पूरा टॉपिक काइनेटिक्स अभी चल रहा है आप यहाँ जीओसी चल रहा है हेट्रो चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है ठीक है ये कंप्लीट होने के बाद नए चैप्टर फिर से स्टार्ट हो जाएंगे तो आप सभी बच्चे अपनी तैयारी जरूर करते रहें क्लियर है बात बातें समझ में आ गई हैं अगर हम दूसरा केस हम लेके चलते हैं यहां पे कौन सा आपके पास ये कार्बन ये देखिए इंडक्टिव इफेक्ट नॉर्मली तीन से चार कार्बन तक ही मैक्सिमम होता है तीन से चार कार्बन तक मैक्सिमम इंडक्टिव इफेक्ट लगता है फिर उसके बाद नहीं लगता है तो हम हाँ मान सकते हो मैक्सिमम जो है वो चार कार्बन तक ही इंडक्टिव इफेक्ट अपना इफेक्ट जो है वो बेसिकली शो करता है ठीक है अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट केस की अब इसमें हमने माना है कि भाई मेरे पास एक्स जो है वो मोर इलेक्ट्रॉन है एज कंपेयर टू कार्बन तो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो भाई इधर क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव इस साइड में क्या आएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये तो क्या क्रिएट हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से परमानेंट डाइपोल क्रिएट हो गया यहां से परमानेंट डायपोल जो है वो बेसिकली यहां से क्रिएट हो गया है अब दूसरा यहां पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कहता है कि जिस भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसकी इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ जाएगी जो न्यूट्र रहेगा उसके कंपेरिजन बढ़ जाएगी जो नेगेटिव रहेगा उसकी डिक्रीज हो जाएगी तो यहां पर पार्शली पॉजिटिव यहां न्यूट्रल तो इसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होगी और ये मेरे पास लेस इलेक्ट्रोनिकटिव होगा तो इस पर क्या आएगा पार्सली पॉजिटिव चार्ज सेम कहानी यहां पॉजिटिव आ गया तो यहां न्यूट्रल है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिटी कम होगी तो यहां फिर से पार्शली पॉजिटिव चार्ज और ये मेरे पास यहां से ये मेरे पास हो जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की तरफ से तो यहां पर जो ये जो चार्ज

क्या इतनी बात समझ में आ गई तो प्लस आई क्या करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है माइनस आई क्या करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है इसके थ्रू करता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम करता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू भाई क्या करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम करता है क्या इतनी बात बताइए आपको समझ में आ गई है क्या किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए भाई यहां तक अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हैं तो एक बार बता दीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं किसी को भी कोई डाउट है तो बोल दीजिए भाई किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बता दीजिए आगे बढ़ जाए बोलिए क्लियर है एक को आपको प्लस आई जो डोनेट कर रहा है सिग्मा बोन्ड के थ्रू डोनेट करता है उसको प्लस आई जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा सिग्मा बोन्ड के थ्रू उसे क्या कहा जाएगा माइनस आई ये आपके सेशन रोजाना चलते हैं भाई तो आप सभी बच्चे कनेक्ट जरूर रहा करो ठीक है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहां पे हम नेक्स्ट बात करते हैं अब हम वन बाई वन बात करेंगे यहां पे प्लस आई और माइनस आई की ठीक है अब सबसे पहला सवाल आता है कि सर प्लस आई कौन से ग्रुप होते हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे यहाँ पे कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं तो मैं यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि कौन-कौन कौन से से ऐसे ग्रुप हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे तो उनमें देखा था कि भाई जहां पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से वो क्या हो जाएगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो आपके पास एज ए क्या करेगा प्लस आई ग्रुप की तरह बिहेव करेगा तो जहां पर भी नेगेटिव नेगेटिव चार्ज चार्ज जो भी चार्ज वाले हैं वो सभी की सभी क्या होते हैं आपके प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे नेगेटिव चार्ज कौन सी करेगा जो भी ग्रुप आपके पास नेगेटिव चार्ज है, से मेरे पास यहां पे ओ माइनस हो गया यहां पे एन एच माइनस हो गया राइट यहाँ पे सी डबल ओ माइनस हो गया सी एच थ्री माइनस हो गया यहां पे ये सी एच टू माइनस हो गया इस तरह के जितने भी ग्रुप हैं वो सभी के सभी क्या होंगे यहां पे आपके माइनस आई इफेक्ट ना सॉरी प्लस आई इफेक्ट करेंगे ठीक है यहां पे प्लस आई इफेक्ट करेंगे एक्सेप्ट कौन यहां पे एक्सेप्ट थ्री माइनस पे थ्री माइनस को छोड़ के और सभी के सभी ग्रुप क्या करते हैं यहां पे आपके पास है? क्या करेंगे माइनस ना सॉरी प्लस इफेक्ट शो करेंगे डोनेट करने का, का काम करेंगे सेकेंड कौन से होते हैं यहां पे सेकेंड कौन से ग्रुप हो गए भाई यहां पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले न्यूट्रल मॉलिक्यूल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले न्यूट्रल जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे एम हो गया राइट यहां से सिलिकॉन वाला डेरिवेटिव होगा गया एस आई थ्री हो गया जैसे एस हो गया इस तरह के जो ग्रुप हैं वो सभी के सभी आपके पास यहां पे न्यूट्रल मोलिकुल जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले हैं वो आपके पास यहां पे प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे तीसरे कौन से होंगे एल्काइल ग्रुप्स यहां पे जितने भी एल्काइल ग्रुप्स हैं वो भी क्या करेंगे भाई प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे एलकाइल ग्रुप जैसे मेरे पास सी एच थ्री हो गया यहां पे सी टू एच फाइव हो गया यहां से सी टू एच फाइव हो गया सी थ्री एच सेवन हो गया यहां पे इस तरह के जो भी ग्रुप है वो सभी के सभी क्या होंगे आपके प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे फोर्थ आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन फोर्थ कौन से होंगे आइसोटॉप्स ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स जैसे ड्यूटीरियम हो गया जैसे ट्राइटेनियम हो गया ये इस तरह के ग्रुप जो हो गए ये सभी के सभी क्या करते हैं प्लस आई इफेक्ट लगाने का काम करते हैं मतलब ये क्या करेंगे भाई यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे लगाएंगे क्या इतनी बात समझ में आ गई है किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए भाई फिर हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिए भाई जल्दी सभी बच्चे बोलिए भाई क्लियर है चलिए आगे बढ़ जाए हम चलिए आगे बढ़ जाते हैं यहां पे नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहां पर तो है जो प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं अब आपका सवाल होगा कि सर कौन से ग्रुप है कि अगर हम प्लस आई की स्ट्रेंथ चेक करें इन ग्रुप्स की तो स्ट्रेंथ क्या होगी यहां पे अगर स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई की बात करते हैं तो वो भी बेसिकली यहां पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं अब हम बात करते हैं यहां पे स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई की ठीक है स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई ठीक है स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई प्लस आई की स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं भाई प्लस आई की स्ट्रेंथ क्या रहने वाली है ठीक है स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई की हम बात करते हैं देखिए स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी नेगेटिव चार्ज वाले की फर्स्ट पॉइंट चार क्योंकि चार ही ग्रुप है जो क्या करते हैं प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं चार ही ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ नेगेटिव चार्ज स्ट्रेंथ ऑफ नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथ की हम बात की की हम बात बात करते हैं। देखिए, नेगेटिव चार्ज की की अगर स्ट्रेंथ करें, तो हम क्या कहेंगे कि भाई नेगेटिव चार्ज इसका मतलब लेस इलेक्ट्रॉनिक तो जितनी कम एटम के पास इलेक्ट्रोनिक्सिटी होगी वो उतना ही ज्यादा क्या होता है प्लस आई इफेक्ट शो करेगा वो उतना ही प्लस आई मतलब डोनेट करेगा सिग्मा बोर्ड के थ्रू वो उतना ही प्लस आई इफेक्ट जो है वो बेसिकली लगाएगा सिग्मा बोन्ड के थ्रू तो हम यहां से कह सकते हैं कि अगर मेरे पास प्लस आई की स्ट्रेंथ चेक करनी है तो वो इनवर्सली इन्वर्सली होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के क्या हो जाएगा इनवर्सली जितना ज्यादा मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक होगी उतना जितना कम इलेक्ट्रॉनिक होगी उसका प्लस आई उतना ही ज्यादा होगा जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि एक मेरे पास मान लीजिए सी एच टू नेगेटिव है यहां पे सी एच टू नेगेटिव है दूसरा मेरे पास यहां पे एन एच माइनस है तीसरा मेरे पास यहाँ पे ओ माइनस है और फोर्थ मेरे पास यहाँ पे सी डब्लो माइनस है ध्यान सुनिए भाई इनमें आपसे कहा जाए कह दिया जाएगा कि बताइए यहाँ पे प्लस आई की स्ट्रेंथ क्या रहने वाली है ये आप हमें बता दीजिए यहाँ पे प्लस आई की स्ट्रेंथ जो है वो क्या रहेगी ये आप हमें बता दीजिए तो कैसे चेक करोगे यहाँ पे तो देखिए यहाँ कार्बन है यहाँ नाइट्रोजन है यहाँ ऑक्सीजन है तो कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है अगर कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो यहां पे क्या होगा आपके पास अगर कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो भाई यहां पे इसका प्लस आई क्या होगा ज्यादा होगा यहां पे तो हम क्या कहेंगे सबसे ज्यादा जो मेरे पास यहां पे प्लस आई होगा वो तो किसका होगा सी एच टू का होगा फिर एन का होगा फिर ओ माइनस का होगा राइट अब यहां से यहां भी ओ माइनस है और यहां पर भी ओ माइनस अगर दोनों ही सेम डोनर एटम है तो फिर कैसे चेक करेंगे तो हमें पता है कि भाई यहां पे जितना नेगेटिव चार्ज होगा उस एलिमेंट के पास है जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका जेड इफेक्टिव उतना ही कम होगा जेड इफेक्टिव कम होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक उतनी ही कम होगी जेड इलेक्ट्रॉनिकिटी कम होगी तो प्लस आई उतना ही बढ़ जाएगा तो इसका मतलब सिंपल सा हमें यह देखना है कि भाई किसके पास है नेगेटिव चार्ज ज्यादा है जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज इसका मतलब प्लस आई उतना ही ज्यादा इन दोनों पे बात करेंगे तो हम कहेंगे इसमें एक ऑक्सीजन एटम है और उसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है मतलब पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज इस अकेले ऑक्सीजन के ऊपर ही है यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो ये नेगेटिव यहां पर रेजोनेंस करेगा और रेजोनेंस करेगा तो इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी यहां से हम क्या कहेंगे भाई ये यहाँ पे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी और जैसे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी तो हम कहेंगे ये एक नेगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो रहा है हो रहा है दो ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो रहा है हो रहा है तो इसका मतलब यहां पर अगर हम बात करेंगे तो इसमें हाफ इस हाफ हो जाएगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा नेगेटिव चार्ज कम होगा अगर नेगेटिव चार्ज कम नेगेटिव चार्ज कम तो जेड इफेक्टिव कम जेड इफेक्टिव कम तो यहां यहां पर क्या हो जाएगा आपका प्लस आई जो होगा डिक्रीज हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं इस पे पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज इस पे हाफ हाफ नेगेटिव चार्ज मतलब यह मोर नेगेटिव होगा तो प्लस आई क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा क्या इतनी बात बताई समझ में आ गई क्या सभी बच्चे बोलिए भाई किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए भाई क्लियर है ये यह बात यहां पे देखो दोनों ही दुर्गेश दोनों ही आईआईटी अच्छी हैं दोनों ही आईआईटी अच्छी हैं कोई दिक्कत नहीं कानपुर में आप चाहे जाए, जाए या दिल्ली में जो आपको सही लगता है आपको वहां पे जाना चाहिए दोनों ही बेस्ट हैं नहीं अगर आंसर चेंज कर देते हैं शिवम तो वो नंबर नहीं मिलेगा फिर तो फिर शिवम नहीं मिलेगा ठीक है चलिए बात समझ में आ गई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है ये दूसरा हम बात करते हैं दूसरी हम बात करते हैं यहां पे कौन सा केस की पहला नेगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथ की बात की दूसरा हम किसकी बात करते हैं यहां पे आपके सामने कौन सा है एम जी आर तो यहां पे हमने यहां पे देखा कि भाई न्यूट्रल मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं यहां पे न्यूट्रल अगर मेरे पास मॉलिक्यूल है ठीक है न्यूट्रल केस में हमने अभी देखा था प्लस आई जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा के होगा इनवर्सली में किसके होगा भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक होता है प्लस आई ठीक है यहाँ पे और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या करता है डोनेट करता है तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि भाई यहाँ पे एक मेरे पास एम है और एक मेरे पास क्या है यहाँ पे एस है एस आई थ्री है तो आपको पता है मैग्नीशियम की सिलिकॉन की कंपेरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है और मैग्नीशियम के अगर सिलिकॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉनिटी कम होगी तो इसका प्लस आई नेचर जो होगा वो ज़्यादा होगा यहाँ पे एमजीआर का प्लस आई जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू किसके सिलिकॉन के क्या इतनी बात बताई समझ में आ गई है बोलिए भाई सभी बच्चे क्लियर है इतनी बात समझ में आ गई है क्लियर है चलिए तीसरा केस की हम बात करते हैं यहां पे तीसरा केस आता है एल्काइल ग्रुप्स की यहां पे स्ट्रेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप्स मैं आगे लिख देता हूं यहां पे और ये जो स्लाइड है ये आपको जितनी भी क्लास स्लाइड है ये लिखने की जरूरत नहीं है ये आपको क्वांटा केमिस्ट्री क्लासेज आपको टेलीग्राम चैनल है क्वांटा केमिस्ट्री क्लासेज ऑफिशियल के नाम से तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए वहां पे आपको जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके बाद आपको पूरी पूरी स्लाइड जो है वो बेसिकली मिल जाएगी वहां पे ये स्लाइड मिल जाएगी ठीक है तो ये आप सभी बच्चे जिस भी बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया है तो क्वांटा केमिस्ट्री टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए ठीक है चलिए यहां पे और जो नए बच्चे जुड़ रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी हमारी अपकमिंग क्लासेज होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच के आपको मिल सके और आप इजिली क्लास देख सको ठीक है चलिए तीसरा हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप्स की यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप ठीक है स्ट्रेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप्स की हम बात करते हैं देखिए स्ट्रेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप्स के केस में क्या होगा कि यहां पे बेसिकली प्लस आई की कहानी चलती है यहां पे क्या चल चेक कर रहे हैं प्लस आई जैसे मेरे पास कोई भी ग्रुप है यहां पे जैसे CH3 हो गया C C2, C2H5 हो गया C3H7 हो गया अगर इन सभी केसेस को यहां पे हम देखें और भी जितने भी एलकाइल ग्रुप हैं उन सभी का हम चेक करते हैं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो यहाँ पे एक रूल है डी बी एन डी बी और एन यहाँ पे डीबीएन रूल आप ध्यान रख सकते हो डीबीएन रूल के थ्रू आप किसी भी प्लस आई की एलकाइल ग्रुप्स के अंदर प्लस आई की स्ट्रेंथ चेक कर सकते हो एलकाइल ग्रुप्स के प्लस आई की स्ट्रेंथ जो है वो बेसिकली चेक कर सकते हो कैसे डी क्या होता है डी फोर होता है डिस्टेंस यहाँ पे डी फोर क्या होता है डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए कि इंडक्टिव जो इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है जो ग्रुप जितना पास होगा उसका इफेक्ट उतना ही ज्यादा लगेगा जो ग्रुप जितना ज्यादा दूर होगा उसका इफेक्ट उतना ही कम लगेगा जो ग्रुप जितना पास उसका इफेक्ट उतना ही ज्यादा लगेगा जो ग्रुप जितना ज्यादा दूर होगा उसका इफेक्ट जो है वो बेसिकली उतना ही कम लगेगा बी फोर क्या होता है ब्रांचिंग दूसरा कौन सा होगा बी फोर ब्रांचिंग एन जो होगा एन फोर क्या है नंबर ऑफ ग्रुप्स यहां पे नंबर ऑफ ग्रुप्स एन क्या है यहां पे नंबर ऑफ ग्रुप्स इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस ब्रांचिंग और किस पे नंबर पे डिपेंड करता है पर ध्यान रहिए सीक्वेंस वाइज ही आपको फॉलो करना है ये क्या करना है सीक्वेंस वाइज ही बेसिकली यहां पे आपको क्या करना है दोस्तों फॉलो करना है पहले आपको ब्रांचिंग लगाना है फिर यहां सॉरी पहले आप डिस्टेंस चेक करना है फिर ब्रांचिंग और फिर नंबर तो ये आपको सिक्वेंस वाइज आपको क्या करना है फॉलो करना है आइए समझते हैं इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी कार्बन चेन है जैसे ये कोई कार्बन चेन है और इस कार्बन चेन में यहां पे एक सी एस थ्री यहां पर जुड़ा हुआ है यहां पे एक सी एस थ्री यहां पर जुड़ा हुआ है यहां पे एक और कार्बन चेन ले लेता हूं मैं यहां पे एक सी एस थ्री यहां पर जुड़ा हुआ है एक और कार्बन चेन ले लेता हूं यहां पे एक सी एस थ्री यहां पे और आपसे कहा जाए कि बताइए यहां पे इनकी प्लस आई, आई, आई की स्ट्रेंथ क्या होगी आप सभी बच्चे बोलिए भाई क्या होगी प्लस आई की स्ट्रेंथ सभी बच्चे आंसर करिए यहां से क्या प्लस आई की स्ट्रेंथ होगी स्ट्रेंथ हो प्लस आई बताइए सभी बच्चे शेयर जरूर करते रहे अपने जितने भी दोस्त हैं फ्रेंड सर्किल है उन सभी को शेयर करते रहे गुड इवनिंग चौधरी गुड इवनिंग दुर्गेश गुड इवनिंग एवरी सभी बच्चे शेयर जरूर करते रहे अपने जितने भी दोस्त हैं फ्रेंड सर्किल है सभी बच्चे इसका आंसर करिए यहां पर क्या रहेगा आंसर करिए सभी बच्चे चलिए देखिए यहां पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहां पे मैंने कहा डिस्टेंस डिपेंडेंट तो डिस्टेंस जितना पास होगा जितना कम डिस्टेंस होगी यहाँ पे प्लस आई होगा डिस्टेंस के इनवर्सली क्योंकि जितनी कम डिस्टेंस होगी इसका मतलब प्लस आई उतना ही ज्यादा होगा यहां पे जो ग्रुप जितना पास होगा उसका प्लस आई उतना ही ज्यादा लगेगा जो ग्रुप जितना ज्यादा दूर होगा उसका प्लस आई उतना ही कम हो जाएगा तो यहां पे आपके पास ये सीएस्थ्री है तो ये प्लस आई यहां पे है ये भी प्लस आई लगाएगा अब देखिए यहां पे चेन जो है यह तो कॉमन है ये जो चार कार्बन की चेन है ये तो सब में कॉमन है भाई यहां पर भी कॉमन है यहां पर भी कॉमन है यहां पर यह चार कार्बन की और यहां पर भी कॉमन है ये चार कार्बन की चेन तो सब में कॉमन है तो जो डिफरेंस कहां पे आ रहा है डिफरेंस आ रहा है यहां पे कि आपके पास ये सीएस थ्री यहां पर फर्स्ट कार्बन जैसे मैं इसको वन कह दिया ये मेरे पास टू हो गया ये मेरे पास थ्री हो गया ये मेरे पास फोर तो यहां पर तो फर्स्ट में तो फर्स्ट कार्बन पे ही सी एस थ्री ग्रुप जुड़ा हुआ है यहां पे सेकंड कार्बन पे जुड़ा हुआ है यहां पे थर्ड कार्बन पे अगर मैं नंबर करूंगा तो वन टू थ्री यहां पर फोर्थ पे जुड़ा हुआ है वन टू थ्री फोर यहां पे वन टू थ्री फोर तो यहां पे सेकंड पे जुड़ा हुआ है तो जो ग्रुप जितना पास होगा उसका इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा जो ग्रुप जितना ज्यादा दूर होगा उसका इफेक्ट उतना ही कम होगा तो सबसे ज्यादा जो प्लस आई लगेगा वो फर्स्ट के ऊपर सबसे ज्यादा लगेगा फिर सेकेंड वाले पे लगेगा फिर थर्ड वाले पे लगेगा और सबसे कम किस का होगा फोर्थ वाले का होगा तो प्लस आई ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो प्लस आई के ऑर्डर की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे फर्स्ट सबसे ज्यादा फिर सेकंड फिर थर्ड और सबसे लीस्ट जो होगा वो फोर्थ हो जाएगा तो ये हमारे पास बेसिकली यहां पे आपका आंसर बन जाएगा यहां पे प्लस आई का स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर बन जाएगा ठीक है अब आप लोग एक और क्वेश्चन सोल्व करिए इसमें यहां से एक और क्वेश्चन सोल्व करिए भाई ठीक है जैसे मैं तुम्हें कहा कि यही मेरे पास कोई कार्बन चेन है ठीक है यही मेरे पास क्या है कार्बन चेन है यहां पे अगर मेरे पास मान लीजिए कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है ये मेरे पास चार कार्बन मेरे पास यहां पे यहां पे मैं पूरा ही लिख देता हूं ये सी एच टू सी एच टू सी यहां से सी एच थ्री राइट यहां से आपके पास ये सी एच टू सी इधर सी एच थ्री कर देता हूं ये सी एच थ्री राइट एक ये मेरे पास है एक मेरे पास यहां से ये यह ग्रुप है और इन तीनों में कहा जाए यहां पे प्लस आई की स्ट्रेंथ बताइए किसकी ज्यादा होगी कि किसकी कम होगी यहां पे प्लस आई की स्ट्रेंथ बताइए तो आप किस तरह से बताओगे भाई यहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज तो हम क्या चेक करते हैं यहाँ पे डिस्टेंस जो जितना ग्रुप पास होगा उसका इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा तो यहाँ पे देखिए वन कार्बन है ये भी वन है ये भी मेरे पास वन है अब इस वन के ऊपर एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है आप चेक कर सकते हो ना एक कार्बन यहाँ पे इसके पास भी एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है यहाँ पे इसके साथ वन टू और थ्री मतलब ये मेरे पास ब्रांच है यहां से जैसे जैसे आप देख रहे होंगे इसमें भी

तो इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा कार्बन जुड़े हैं ज्यादा पास ग्रुप जुड़े हुए हैं यहाँ पे देखिए फर्स्ट कार्बन पे तीन एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं मतलब तीन एल्काइल ग्रुप बिल्कुल क्लोजली जुड़े हुए हैं इसका मतलब प्लस आई की स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट के अंदर तो सबसे ज्यादा थर्ड के अंदर तो प्लस आई सबसे ज्यादा होगा अब बात करें इन पे तो ये मेरे पास टू हो गया ये भी टू हो गया ये वन था ये टू हो गया तो टू के पास यहाँ पे तो देखिए एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है टू के पास पर इस टू के पास यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं इस टू के पास यहां पे दो एलकाइल ग्रुप इस टू के पास यहां पे एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि इस टू के पास अगर दो एलकाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो यहां पे ज्यादा एलकाइल ग्रुप है जबकि यहां पे कम है इसलिए यहां सेकंड हो जाएगा और फिर यहां सबसे लीस्ट फर्स्ट हो जाएगा तो यहां करेक्ट प्लस आई का ऑर्डर क्या हो जाएगा यहां पे थ्री टू वन इसका मतलब आप एक चीज समझ सकते हो कि भाई यहां पे ये ब्रांचिंग है लीनियर है तो प्लस आई जो होगा जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना ही क्या होगा प्लस आई ज्यादा होगा मतलब ब्रांचिंग ऑफ कार्बन ब्रांचिंग ऑफ कार्बन होगा उतना ही प्लस आई बेसिकली क्या होगा ज्यादा होता जाएगा यहाँ पे उतना ही branching of carbon जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या हो जाएगा प्लस आई की स्ट्रेंथ भी बेसिकली उतनी ही ज्यादा हमें देखने को मिलेगी क्लियर है बात समझ में आ गई होगी किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए भाई क्लियर है क्या सभी बच्चे बोलिए भाई क्लियर है सभी कोई बात समझ में आ गई है यहां पर ब्रांचिंग चेक करते हैं पहला डिस्टेंस दूसरा ब्रांचिंग तीसरा केस की बात करते हैं तीसरा केस हमारे पास कौन सा आता है तीसरे केस की हम बात करते हैं तीसरा हमारे पास कौन सा था यहां पर डी बी नंबर ऑफ ग्रुप्स यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप्स की बात करते हैं ये जो स्लाइड है क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है क्वांटा केमिस्ट्री क्लासेस ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी जैसे क्लास खत्म होगी उसके पाँच से दस मिनट में ही आपको ये स्लाइड अवेलेबल होगी हर लेक्चर की जो स्लाइड है वो क्वांटा केमिस्ट्री टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है क्वांटा केमिस्ट्री क्लासेज ऑफिशियल नाम के चैनल टेलीग्राम चैनल का नाम है तो वहाँ पर जाकर के आप उस क्लास को यहाँ पर क्लास स्लाइड आप ले सकते हो और आप अपनी क्लास को मतलब सॉल्व कर सकते हो ठीक है और अपनी तैयारी को आगे बूस्ट कर सकते हो क्लियर है इतनी बात अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ ग्रुप्स जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे सीएच थ्री है ये मेरे पास और रोजाना क्लास हो रही है भाई तो आप सभी बच्चे मिस मत क्या करो रोजाना क्लास को अटेंड क्या करो ठीक है ये मेरे पास सी एच थ्री सी टू एच फाइव ये सी थ्री एच सेवन ठीक है और इसमें कहा जाए कि भाई ये मेरे पास फर्स्ट है ये सेकंड है और ये थर्ड है इनमें बताइए यहां पे प्लस आई का ऑर्डर क्या रहेगा यहां पे प्लस आई का ऑर्डर क्या रहेगा ये आपसे पूछ लिया जाए ठीक है ये आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे पे आपके पास देखिए यहां पे अगर हम बात करें सबसे पहले डिस्टेंस तो यहां पे एक कार्बन तो यहां पे कोई खास डिस्टेंस हम नहीं बता पाएंगे ठीक है दूसरा हम किसकी बात करेंगे यहां पे यहां पे डिस्टेंस ब्रांचिंग की ब्रांचिंग यहां पे है नहीं सब लीनियर है तीसरा हम किसकी बात करेंगे नंबर ऑफ कार्बन की जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे प्लस आई उतना ही ज्यादा लगेगा भाई जितने ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होंगे प्लस आई उतना ही ज्यादा लगेगा तो हम क्या कह सकते हैं प्लस आई जो होगा वो डायरेक्टली प्रपोशन होगा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स के यहां पे एल्काइल ग्रुप्स के डायरेक्टली प्रपोशन होगा ये बात ध्यान रहे कि भाई यहां पे जो भी चीजें चल रही हैं वो बिल्कुल स्टेप वाइज चल रही है आपको यहां पे जो मैंने बता दिया वही चीजें आपको ध्यान रखने अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है तो यहां पे प्लस आई हो गया तो यहां थ्री कार्बन है वन टू थ्री थ्री कार्बन है तो प्लस आई ज्यादा एलकाइल ग्रुप है तो प्लस आई ज्यादा होगा यहाँ टू है और यहां पे मेरे पास वन है तो यहां करेक्ट जो ऑर्डर होगा वो आप क्या कह सकते हो थ्री टू वन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर है कि बात समझ में आ गई भाई सभी बच्चे बोलिए भाई सभी बच्चे बोलिए क्या ये बात समझ में आ गई है यहां से थ्री टू वन हो जाएगा तो ये कहानी थी एलकाइल ग्रुप्स की नेगेटिव चार्ज में सिर्फ क्या चेक करना है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव न्यूट्रल ग्रुप्स के अंदर भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और तीसरा कौन सा होंगे यहां पे स्ट्रेंथ ऑफ एलकाइल ग्रुप्स इसमें आपको क्या चेक करना होगा यहाँ पे आपको डी रूल चेक करना है डी फॉर डिस्टेंस बी फॉर ब्रांचिंग और एन फॉर नंबर ऑफ ग्रुप्स सिर्फ ये ग्रुप चेक करना है किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए समझ में आ गई सारी बातें आगे बढ़ जाऊं मैं नेक्स्ट हमारे पास आता है यहां पे स्ट्रेंथ ऑफ आइसोटॉप्स स्ट्रेंथ ऑफ आइसोटॉप्स नेक्स्ट कहानी किसकी आती है यहां पे फोर्थ जो ग्रुप है वो आता है स्ट्रेंथ ऑफ आइसोटॉप्स ठीक है हम यहां पे इसको जीओसी को फटाफट कंप्लीट करेंगे ठीक है ऐसा नहीं कि दो तीन महीने चलाएंगे हम कोशिश करेंगे भाई इस मंथ से

वो हम करने की कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे थ्योरी पढ़ाएंगे ठीक है और कल एक एक सरप्राइज आपके लिए क्लास वहाँ पे अरेंज है तो उस सेशन में जरूर सभी बच्चों को अटेंड करना है कल ही वो सेशन है नौ बजे से तो उस सेशन को जरूर अटेंड करना है भाई सभी बच्चे सभी बच्चे कल वाले सेशन को जरूर अटेंड करना है कल नौ बजे आपका एक सरप्राइज अनाउंसमेंट है उस अनाउंसमेंट में जरूर सभी बच्चों को जुड़ना है और अपने जितने भी दोस्त हैं फ्रेंड सर्किल है उन सभी को भी बता देना है ठीक है चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ आइसोटोप्स की तो स्ट्रेंथ ऑफ आइसोटोप्स की बात करेंगे तो हमारे पास देखिए ये तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एज ए रिफ्रेंस यूज करते हैं हम प्लस आई के लिए प्लस आई के लिए यहां पे इंडक्टिव जो इफेक्ट होता है हाइड्रोजन के लिए जीरो मानते हैं यहां पे एज ए रिफ्रेंस हम यूज कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है इसके लिए जीरो होगा ड्यूटीरियम हो गया हाइड्रोजन ड्यूटीरियम और ट्राइटेनियम ये हमारे पास बेसिकली है हाइड्रोजन ड्यूटीरियम और ट्राइटेनियम अब यहाँ से एक बोर नाम का साइंटिस्ट था यहाँ पे उसने क्या कहा कि यहाँ पे आपके पास जब भी हम मास की बात करते हैं यहाँ पे उसने कहा रेडियस जो होती है वो इन्वर्सली परसल होती है रिड्यूस मास की जितना ज्यादा किसी का मास होगा उसकी रेडियस उतनी ही कम होगी अगर हम बात करें इनके मास की तो हाइड्रोजन का मास वन होता है ना ड्यूटीरियम का टू हो जाएगा और ट्राइटेनियम का थ्री हो जाएगा तो यहाँ पे मास अगर कम होगा मास ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या होगी बॉन्ड की मतलब रेडियस होगी उस ऑर्बिटल की रेडियस क्या होगी कम होगी और रेडियस कम होगी तो बॉन्ड क्या बनेगा छोटा बनेगा स्मॉल साइज का बनेगा जबकि यहाँ पे मास क्या है भाई यहाँ पे कम मास है मास कम तो रेडियस ज्यादा मतलब ऑर्बिटल की रेडियस अगर ज्यादा होगी ऑर्बिटल की साइज ज्यादा होगी तो बॉन्ड भी क्या बनेगा लोंगर बनेगा तो जब भी हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की तो हम कहते हैं कि मेरे पास सीटी बॉन्ड यहाँ पे सबसे स्मॉल बॉन्ड बनता है छोटा साइज का होता है फिर आपके पास सी डी बॉन्ड होता है फिर आपके पास सबसे जो स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है वो सी की होती है ठीक है सीटी बॉन्ड सॉरी सी एच बॉन्ड सी एच की यहां पे बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूंगा तो मैं कहूंगा यहां पे सी एच जो है वो सबसे यहां पे सीएच बॉन्ड की बोन लेंथ सबसे ज्यादा फिर सी डी की होगी और फिर सीटी की होगी कैसे पता कि हमने इसके बेसिस पे बोर ने जो कहा था बोर ने कहा था कि रेडियस इनवर्सली प्रपोजल होता है रिड्यूस मास के तो यहाँ पे मास जितना ज़्यादा ये म्यू क्या है रिड्यूस मास तो मास जितना ज़्यादा होगा यहाँ पे रेडियस उतनी ही कम होगी रेडियस मतलब ऑर्बिटल की साइज उतनी ही कम हो जाएगी ऑर्बिटल की साइज़ कम होगी तो बॉन्ड क्या बनेगा छोटा बनेगा यहाँ पे और ये मेरे पास अगर ऑर्बिटल की साइज बड़ी होगी तो यहाँ पे क्या होगा बॉन्ड लॉन्गर बनेगा अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करता हूँ यहाँ से ही अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ की मैं बात करूंगा तो मैं कहूंगा सिटी बॉन्ड जो होगा वो यहां पे सबसे स्ट्रोंग बॉन्ड होगा फिर सी डी बॉन्ड होगा और सबसे कम किसका होगा सी एच बोंड होगा तो ये मेरे पास यहां से आ जाएगा ये मेरे पास यहां से आ जाएगा बॉन्ड लेंथ जो होगी वो सी एच की ज्यादा होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो सी टी की ज्यादा होगी अब आप खुद बताइए मान लीजिए मेरे पास इलेक्ट्रॉन है जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे तो ये अगर बॉन्ड छोटा होगा तो इस कार्बन को जल्दी पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन में भाई बॉन्ड छोटा होगा ट्राइटेनियम क्या कर रहा है प्लस आई लगा रहा है ियम क्या लगा रहा है प्लस आई ड्यूटीरियम क्या लगा रहा है प्लस आई लगा रहा है ठीक है तो अगर बॉन्ड छोटा होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे जल्दी कार्बन तक पहुंच जाएंगे यहां पे बॉन्ड अगर लॉन्गर होगा

यहाँ पे आपका ट्राइटेरियम का सबसे ज्यादा होगा फिर ड्यूटीरियम का और सबसे लास्ट में आपका हाइड्रोजन रहेगा जो जीरो ही है यहाँ रिफरेंस हम यूज कर रहे हैं तो ये आपके लिए प्लस आई की स्ट्रेंथ ही मैंने सभी कंपाउंड्स के अंदर यहाँ पे आपके प्लस आई की स्ट्रेंथ के बारे में बता दिया है किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बता दीजिए भाई क्लियर है ये बात समझ में आ गई है किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए क्लियर तो है क्या ये बात समझ में आ गई है आगे बढ़ जाए चलिए नेक्स्ट केस की बात करते हैं यहां पे माइनस आई ग्रुप की ठीक है यहां पे एक बार ओवरऑल प्लस आई भी चेक कर लेते हैं कि ओवरऑल क्या रहने वाला है उसकी भी हम बात कर लेते हैं यहां पे ओवरऑल अगर मैं प्लस आई की मैं बात करूं ठीक तो है तो ओवरऑल क्या रहेगा भाई यहां पे प्लस आई अगर ओवरऑल हम बात करते हैं तो ओवरऑल क्या रहता है उसकी भी थोड़ा सा देख ले देखिए सबसे पहले तो किसका रहेगा नेगेटिव चार्ज वालों का यहां पे ओवरऑल जो है नेगेटिव चार्ज का सबसे ज्यादा प्लस आई रहेगा फिर किसका रहेगा न्यूट्रल का रहेगा न्यूट्रल का रहेगा फिर किसका रहेगा यहाँ पे आपके पास एल्काइल ग्रुप्स का रहेगा एल्काइल ग्रुप्स का रहेगा और सबसे कम किसका रहता है यहाँ पे आइसोटॉप्स का सबसे कम किसका रहेगा आइसोटोप्स का रहेगा तो ये ओवरऑल प्लस आई का ऑर्डर रहनेता है ये ओवरऑल जो है बेसिकली प्लस आई का ऑर्डर रहता है, है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का सबसे ज्यादा होगा फिर न्यूट्रल का होगा फिर एल्काइल ग्रुप्स का होगा सबसे लास्ट में आइसोटोप्स का तो यहाँ पे हम कहेंगे सबसे ज्यादा जो प्लस आई होगा वो तो सी एच टू माइनस का होगा फिर किसका होगा एन एच माइनस का होगा फिर किसका होगा ओ OH एफ माइनस का होगा फिर किसका होगा सी डब्लो माइनस का होगा यहाँ पे ठीक है फिर किसका होगा यहाँ पे एम जी आर का होगा भाई यहाँ पे फिर किसका होगा एस आई आर थ्री का होगा फिर किसका होगा यहाँ पे एल्काइल ग्रुप्स का होगा एल्काइल जैसे मेरे पास यहाँ पे इस तरह का एल्काइल ग्रुप्स का होगा जैसे इस तरह की ब्रांचिंग वालों को मतलब जो पास ज्यादा ग्रुप होंगे फिर जैसे मेरे पास इस तरह का ग्रुप्स का हो जाएगा तीन कार्बन वाले का ना यहाँ से जैसे कोई भी एल्काइल चेन में आप डीबीएन रूल लगा सकते हो सिंपली ठीक है फिर जैसे मेरे पास इस तरह का ग्रुप्स का फिर मेरे पास यहाँ पे इस तरह का और यहाँ पे उसके बाद आइसोटोप्स की कहानी जैसे मेरे पास यहाँ पे ट्राइटेनियम का फिर ड्यूटीरियम का और सबसे लास्ट में यहां पे हाइड्रोजन जिसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा रिफरेंस मान रहे तो जीरो हो जाएगा तो ये बेसिकली यहां पे प्लस आई का ऑर्डर रहता है अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए भाई क्लियर है क्या समझ में आ गया है ओके आर्यन चलिए क्लियर है बात समझ में आ गई सभी बच्चों को किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिए हम वरना आगे बढ़ जाते हैं माइनस आई की तरफ देखिए सिंपल चीजें हैं सिंपल यहां पे हम पढ़ रहे हैं कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे प्लस आई फिर स्ट्रेंथ कैसे चेक करेंगे बाद में उनके अप्लीकेशंस भी चेक करेंगे कि भाई इनको अप्लाई जो चीजें हम सीख रहे हैं इनको अप्लाई कैसे किया जाएगा यह भी चीज हम सीखेंगे ठीक है तो यहां वन बाय वन करके हम आगे बढ़ेंगे बस आपको चीजों टू दी पॉइंट आपको यहां पे ध्यान रखनी है ठीक है हाँ बिल्कुल आर्यन यहाँ पे ये टॉपिक जल्दी कंप्लीट हो, हो जाएगा मैंने कहा पंद्रह तारीख तक आपका कंप्लीट हो जाएगा ठीक है जैसे जैसे काइनेटिक्स चल रहा है काइनेटिक्स का कल फोर्थ लेक्चर है ठीक है और आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर तो दो तीन लेक्चर में कंप्लीट हो ही जाएगा ज़्यादा उसमें लेक्चर है नहीं ठीक है हेट्रोसाइक्लिक में आप स्पेशली अनुपसर जो है वो करवा रहे हैं आपको क्योंकि हेट्रोसाइक्लिंग की जो स्पेशली सिंथिस वाली जहाँ पे नेट गेट में सवाल आ बनता है हेट्रोसाइकलिंग में जहाँ से नेटिकेट में सवाल बनता है वो सिंथेसिस वाली रिएक्शंस करवा रहा है तो वो जरूर देखिए ठीक है और कल एक सरप्राइज अनाउंसमेंट है तो वो उसमें अनाउंसमेंट में नौ बजे जरूर पहुंचना है और कल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर फोर है तो वो भी जरूर अटेंड करना है ठीक है अब हम बात करते हैं माइनस आई ग्रुप्स की ठीक है माइनस आई ग्रुप्स में सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनस आई कौन कौन से ग्रुप हैं जो माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं ठीक है माइनस आई इफेक्ट जो है कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं माइनस आई ग्रुप्स की बात करूँ तो यहाँ पे भाई माइनस आई के लिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे ध्यान दो तो विड्रो करता है और विड्रो कौन से ग्रुप करेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटी क्या होगी ज्यादा होगी जिसकी भी इलेक्ट्रॉनिकटी ज़्यादा होगी वो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन इजीली विड्रॉ कर लेंगे तो यहां पे कौन सी की इलेक्ट्रॉनिकटी ज़्यादा होगी याद करो नेगेटिव चार्ज अगर किसी एटम के ऊपर आता है तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिकिटी भी कम होती है और किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा मतलब उसकी इलेक्ट्रॉनिकिटी भी बढ़ जाएगी तो यहां पर जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा जहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा इसका मतलब उसका माइनस आई ज़्यादा होगा सबसे पहले तो यहाँ पे माइनस आई कौन से ग्रुप होंगे जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एस आर टू पॉजिटिव हो गया राइट एन एच थ्री पॉजिटिव हो गया एन आर थ्री पॉजिटिव हो गया एन एफ थ्री पॉजिटिव हो गया इस तरह के जितने भी मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज वाले ग्रुप हैं वो सभी के सभी क्या करते हैं माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं वो सभी के सभी माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे ठीक है दूसरे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पे प्रेजेंट हो जिस पे भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा वो भी जैसे मेरे पास कार्बोनिल वाले सभी ग्रुप्स जो भी कार्बोनिल जैसे एल्डिहाइड हो गया राइट जैसे मेरे पास कीटोन हो गया जैसे मेरे पास एस्टर हो गया जैसे मेरे पास एसिड हो गया जैसे मेरे पास यहाँ पे एमाइड हो गया ये सभी के सभी ग्रुप हैं जो क्या करते हैं यहां पे आपके पास पार्स यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे और कौन से हो सकते हैं यहां पे जैसे सी हो गया राइट यहां से सी हो गया इस तरह के ग्रुप जो होंगे वो सभी के सभी यहां पे आपका पार्शली पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहां पे आपके पास क्या हो जाएंगे माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे होंगे ठीक है तीसरे यहां पे कौन से होंगे न्यूट्रल होंगे जो मोर हो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले होंगे न्यूट्रल बट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर इलेक्ट्रोनिटी वाले जो न्यूट्रल हो बट उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बेसिकली ज्यादा हो न्यूट्रल हो बट उनकी इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए तो वो मेरे पास जैसे मेरे पास यहाँ पे फ्लोरीन वाले हो गए फ्लोरिन हेलोजन हो गए फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन ये सभी ठीक है जैसे ओ OH हो गया एन हो गया ठीक है इस तरह के यहाँ पे ओ OH एच हो गया एन हो गया यहाँ पे ओ हो गया यहाँ पे ओ आर हो गया ठीक है जैसे मेरे पास यहाँ पे एनआर टू हो गया एन एच सी ओ आर हो गया इस तरह के ग्रुप ठीक है या आप इसमें भी रख सकते हो पार्सली पॉजिटिव चार्ज वाले में ओ NHCOR आर और ठीक है तो ये पार्सली पॉजिटिव चार्ज वाले में भी रख सकते हो तो ये मेरे पास जैसे मेरे पास एल्काइन हो गया यहां पर फिनाइल हो गया एल्कीन हो गया ये सभी के सभी ग्रुप जो होंगे ये आपके पास क्या कर सकते हैं यहां पे माइनस आई लगा सकते हैं ठीक है यहां पे जैसे और भी हो, आपके पास एसओ थ्री एच हो गया एसओ थ्री माइनस हो गया ना ये सभी सभी क्या करते हैं आपके पास यहां पे माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे तो एक तो कौन से करेंगे यहां पे पॉजिटिव चार्ज वाले एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज वाले और तीसरे कौन से होंगे न्यूट्रल ग्रुप होंगे ये वो इफेक्ट यहां पर शो कर रहे होंगे क्या इतनी बात बताई सभी को समझ में आ गई है किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए भाई क्लियर है आगे बढ़ जाऊं अब हम बात करते ये तो हमने क्या किया आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनस आई अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई की अगर हम कहीं पर भी स्ट्रेंथ की बात करते हैं यहां पे स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई के केस के के में क्या होगा भाई ध्यान समझिए स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई के केस के के में क्या होगा स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई में आपको क्या चेक करना है यहाँ पे डीएनपी रूल ध्यान रखना है जैसे आपके पास एलकाइल ग्रुप्स की स्ट्रेंथ के अंदर है। आप कौन सा रूल लगाते थे डी बी एन रूल यहाँ पे एलकाइल ग्रुप की स्ट्रेंथ के अंदर कौन सा रूल लगाते थे डी बी एन रूल लगाते थे यहाँ पे आपके पास स्ट्रेंथ हो माइनस आई में डी एन पी रूल यहाँ पे आपको फॉलो करना है यहाँ पे डी एन और पी डी एन पी रूल को आपको फॉलो करना है डी एन पी रूल क्या होता है ध्यान से समझिए भाई डी फोर होता है डिस्टेंस फोर क्या होता है नंबर और पी फोर क्या होता है नंबर ऑफ ग्रुप्स और पी फोर क्या होती है पावर यहां पे डी फोर क्या होता है डिस्टेंस क्या क्या होगा क्या होगा नंबर ऑफ ग्रुप्स और यहां पे पावर पावर की हम बात करते हैं ठीक है यहां पे हम किसकी बात करें पावर देखिए सबसे पहले आपको ये सीक्वेंस वाइज जैसे एल्काइल ग्रुप्स में एक सीक्वेंस हम देख रहे थे सीक्वेंस क्या था यहां पे डीबीएन रूल था डिस्टेंस यहां पे ब्रांचिक और नंबर वो एक सीक्वेंस फॉलो करना ऐसे ही आपको माइनस आई के अंदर भी आपको डी फॉर डिस्टेंस एन फॉर नंबर ऑफ ग्रुप्स और पी फॉर पावर यहां पे पावर आपको चेक करना है पावर का मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्चुअटी कैसे जितनी ज्यादा यहां पे इलेक्ट्रॉन पावर मतलब इलेक्ट्रॉन एक्चुटी ठीक है आइए वन बाई वन करके यहां पे समझ लेते हैं यहां पे डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं पहला पॉइंट क्या था डिस्टेंस डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे यहां पे आपके पास कहीं पर भी जितना क्लोज डिस्टेंस होगी मतलब माइनस आई जितना जो भी ग्रुप जितना पास होगा माइनस आई उतना ही ज्यादा लगेगा जो ग्रुप जितना पास होगा तो प्लस उसका उतना ही ज्यादा लगेगा जो ग्रुप जितना ज्यादा दूर होगा उसका चाहे प्लस आई हो चाहे माइनस आई उतना ही कम इफेक्ट लगेगा तो हम कहेंगे माइनस आई जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा डिस्टेंस के हो जाएगा राइट डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल right? यहां पर हो जाएगा तो यहां पे जैसे मेरे पास कोई ग्रुप आ गया जैसे ये कोई कार्बन चेन है इस पर मान लीजिए फ्लोरीन लगा दिया ये मेरे पास एक फ्लोरीन लगा दिया मैंने यहां से ये मेरे पास एक फ्लोरीन लगा दिया और आपको कहा जाए कि बताइए इन तीनों में फर्स्ट सेकंड और थर्ड में यहां पे आपके पास माइनस आई की स्ट्रेंथ बताइए क्या होगी तो आप क्या कहोगे तुरंत यहां पे देखिए ये वन नंबर ये टू ये थ्री ये फोर तो फर्स्ट के पास फ्लोरीन है तो इसका मतलब क्या हुआ ये ज्यादा क्लोज होगा देखिए ये जो मैं डैश लगाता हूं ना इसका मतलब है यहां इसके रेस्पेक्ट से हमें चेक करना है इसके रेस्पेक्ट से हमें चेक करना है तो यहां पे फर्स्ट कार्बन पे फ्लोरिन है यहां पे सेकंड कार्बन पे यहां वन टू थ्री एंड फोर यहां पे सेकंड कार्बन पे क्या है फ्लोरीन है यहां पे क्या है वन टू थ्री एंड फोर यहां पे थर्ड कार्बन पे क्या है फ्लोरीन है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में ये पास है तो इसका माइनस आई ज्यादा होगा ये दूर है तो इसका माइनस आई कम होगा कम तो क्या वन फिर टू और फिर थ्री ये हमारे पास क्या बन जाएगा दोस्तों करेक्ट आपका ऑर्डर बन जाएगा ये करेक्ट आपका ऑर्डर बन जाएगा क्या इतनी बात बताई समझ में आ गई किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए समझ में आ गई कि ये सारी बातें चलिए नेक्स्ट आपके सामने है यहां पे आपके पास जैसे मान लीजिए ये मेरे पास ग्रुप है यहां पे मैंने क्या लगा दिया एन आर थ्री पॉजिटिव लगा दिया ठीक है दूसरा जैसे मैंने यहां पे आपके सामने ये मैंने कहा एनओ टू लगा दिया ठीक है यहां पे ये मैंने यहां पे क्या लगा दिया आपका यहां पे एनआर थ्री पॉजिटिव लगा दिया और आपसे कहा जाए कि बताइए इनके यहां यहाँ पे यहाँ पे आपके पास बोला जाए कि बताइए माइनस आई का ऑर्डर क्या होगा तो फटाफट आप सभी बच्चे निकालिए एक बार यहाँ पे सभी बच्चे आप निकालिए और बताइए इसका माइनस आई का ऑर्डर क्या रहने वाला है जल्दी सभी बच्चे आंसर करिए भाई सभी बच्चे आंसर करिए यहाँ पे माइनस आई का ऑर्डर क्या रहेगा सभी बच्चे आंसर करिए माइनस आई का ऑर्डर क्या रहने वाला है

ठीक है यहां पे फर्स्ट पे है तो इसका मतलब फर्स्ट वाला ग्रुप ये भी माइनस आई लगा रहा है ये भी माइनस पर ये पास है मैंने कहा इसके रेफरेंस में आपको चेक करना है इस बॉन्ड के रेफरेंस में आपको चेक करना है जो मैंने डेस्क करके यहां छोड़ देता हूं ठीक है तो यहां पर आपका ये मतलब वन पे, पे, पे है तो इसका मतलब सेकेंड वाले का माइनस आई क्या होगा ज्यादा होगा ठीक है अब इनमें यहां पे ये भी सेकंड पे है और ये थर्ड पे है तो इसका मतलब यहां पे कौन सा हो जाएगा आपका एनओ टू के बाद कौन आएगा यहां पे फर्स्ट और फिर कौन सा आएगा यहां पे थर्ड आएगा ठीक है ये आपके पास माइनस आई का ऑर्डर हो जाएगा ठीक है इसी तरह के एग्जाम्पल हम अगली क्लास में भी कुछ करेंगे यहां पे ठीक है इस तरह के एग्जाम्पल और भी हम माइनस आई की रिगार्डिंग करेंगे डी रूल को पूरा प्रॉपर तरीके से समझेंगे जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे और अगली क्लास में जो इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ा है उसका अपलीकेशन पार्ट कवर करेंगे ठीक है तो अगली क्लास में आपका इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे किसका हाइपर कॉन्जुकेशन स्टार्ट कर देंगे ठीक है फिर हम यहाँ पे हाइपर कॉन्जुकेशन स्टार्ट कर देंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए अगली क्लास में इसका अपलीकेशन प्लस में जो यहाँ पे माइनस आई ग्रुप बच गए

चलिए और जैम नेट गेट के बैच स्टार्ट हो गए हैं तो जो भी बच्चे ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो क्वांटा केमिस्ट्री क्लासेज चैनल पे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए क्वांटा केमिस्ट्री क्लासेस और आपको जाकर के वहाँ परचेज कर लीजिए अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप इन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट नंबर भी कर सकते हो एट टू एट फाइव एट वन फाइव वन एट फाइव और नाइन सेवन वन सेवन थ्री सेवन थ्री जीरो सेवन फोर ठीक है इन पे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए और यहाँ थोड़ी देर में ये क्लास स्लाइड जो होंगी ये आपको क्वांटा केमिस्ट्री क्लासेस ऑफिशियल uh, के नाम पे एक टेलीग्राम चैनल है क्वांटा केमिस्ट्री क्लासेस ऑफिशियल नाम पर टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे आपको ये क्लास लाइड मिल जाएंगी कल आपकी काइनेटिक्स क्लास है और एक सरप्राइज आपका अनाउंसमेंट है तो उसमें आप ज़रूर वहाँ पर पार्टिसिपेट करिए वहाँ पर आपको ये जरूर कुछ अच्छी चीज़ें आपके लिए जरूर लेकर के आएंगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ठीक है और चैनल को यहाँ पर जल्दी सभी बच्चे शेयर जरूर कर दिया करो भाई ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में थैंक यू सो मच ऐसे पढ़ते रहे मेहनत करते रहे और आगे बढ़ते रहे बाय टेक केयर